और ये देखिए दोस्तों, जब मैं इस आइसक्रीम को कट कर रही हूँ तो कितनी आसानी से कट हो जा रही है। बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमे हैं इसके ऊपर, और इसे बनाना तो इतना आसान है कि घर में बच्चे भी बना लेंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है अमरूद के आइसक्रीम की, और क्योंकि ये अमरूद का सीजन भी चल रहा है तो फिर तो इसे ट्राई करना जरूर बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। मैंने यहाँ पर एक पाव अमरूद लिए हैं। तो दोस्तों, इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पके गुआवा की ज़रूरत नहीं है, तो ना तो बहुत ज़्यादा पके होना चाहिए और ना ही एकदम कच्चे। तो इन्हें काट लेते हैं छोटे टुकड़ों में, बीज सहित इसके छोटे छोटे टुकड़े कर हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और बस इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर पीस लेते हैं। तो अमरूद थोड़े से क्रश हो चुके हैं, तो इसमें मिला लेंगे हम मिल्क पाउडर। तो लगभग 1/4 कप भरकर मैंने मिल्क पाउडर मिलाया है, और उतनी ही क्वांटिटी में हम फ्रेश क्रीम भी मिला लेंगे। तो मैं यहाँ पर अमूल क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। लगभग आधा कप भरकर मैंने कंडेंस मिल्क डाल लिया है। थोड़ा सा मिला लेते हैं सारी चीजों को, और बस इसे एकदम स्मूथ हमें ब्लेंड कर लेना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो चुका है, अच्छे से सारी चीजें ब्लेंड हो चुकी हैं। तो अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो एक छलनी रखकर सारे मिक्स को हम छान लेंगे। दोस्तों, छानने से ये होगा कि जो बीज पिस नहीं पाए हैं वो अलग हो जाएंगे और खाते वक्त दांतों के बीच नहीं आएंगे। तो आइसक्रीम मिक्स को मैंने बढ़िया छान लिया है, सारे बीजों को अलग भी कर दिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट मिल गया हमें। और अब ये मिक्स जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं यहाँ पर इस तरह के पेपर कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर किसी प्लास्टिक के डब्बे में भर के रख सकते हैं। कप्स को पूरा भरकर हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे, और इसे हमें जमाना है 7 से 8 घंटे तक फ्रीजर के अंदर, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो डीप फ्रीजर में रख दीजिए 7-8 घंटे के लिए, और जो मिक्स बच गया है उसे मैं इस तरह के प्लास्टिक के टिफिन में जमा रही हूँ। फ्रेंड्स, और बढ़िया कलर लाने के लिए आप इसमें फूड कलर भी मिला सकते हैं। तो इसे भी कवर कर मैं फ्रीजर में रख रही हूँ ओवरनाइट। आठ घंटे हो चुके हैं, चलिए आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया सेट हुई है ये। इसका ये पेपर फाड़ कर अलग कर लेते हैं। और इसे हम स्लाइस में काट लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, जब मैं इस आइसक्रीम को कट कर रही हूँ तो कितनी आसानी से कट हो जा रही है। बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमे हैं इसके ऊपर। ये जो पेरू आइसक्रीम है ये सर्व की जाती है मिर्च पाउडर के साथ, तो हल्का सा चिली पाउडर छिड़क लेंगे। और अगर घर में बच्चे हैं तो इसे बिना मिर्च का भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी इजी टेस्टी झटपट आइसक्रीम रेसिपी। आप भी इसे ट्राई करके देखिएगा। आपके कोई कमेंट्स हैं तो मुझे जरूर लिख के भेजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।